चैप्टर 7 का आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 है. फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6. यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका ये लाइन सेगमेंट बना देता हूँ मैं एक बार. इसके पॉइंट्स कौन से हैं? -3, 10 और 6, -8. ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है कहीं पर. तो सपोज कीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है -1, 6. अभी आपको तीनों जो है x1, y1, x2, y2 और xy ऑलरेडी दे दिए गए हैं. तो अभी उन्होंने आपको क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, m1/m2 का रेशियो क्या होगा. तो अब जैसे कि हमें पता है कि हमें x की वैल्यू ढूंढनी होती थी, अगर ये x कोऑर्डिनेट की ढूंढते थे तो हम कैसे ढूंढते थे? x=m1(x2)+m2(x1)/m1+m2. और सिमिलरली y की वैल्यू हमें ढूंढनी होती थी तो m1(y2)+y1(m2)/m1+m2. हमें यहाँ m1/m2 नहीं पता है, बट हमें x और y की वैल्यू तो दी गई है. तो सिंपली अगर हम इसको पुट अप कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है या नहीं वो हम चेक कर लेंगे. देखिए x की वैल्यू कितनी लगी हमें? -1. m1 हमें नहीं पता है, हम सिंपली m1 ही लिख देंगे. x2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 6. तो 6m1 हो जाएगा आपका. प्लस m2(x1), तो m2 तो हमें नहीं पता है, x1 हमें पता है. x1 कितना है आपका? -3. तो यहाँ पे सिंपली -3 m2/m1+m2. ये जब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -m1 -m2=6m1 -3m2. सिंपली आप इसको अगर m1 को यहां ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7m1 = -3m2 को यहां ले आऊंगा तो 3m2 -m2 = 2m2. सो द रेशियो ऑफ m1/m2 इज m1/m2, तो 2/7. ये रेशियो में ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है 2:7. बट यही आंसर सेम हमें y में भी मिलना चाहिए, तो हमें y का भी कोऑर्डिनेट से चेक कर लेना चाहिए एक बार. y का कितना कोऑर्डिनेट? 6 = कितना है आपका? m1 तो आपका वैसे ही रहेगा. y2 कितना है आपका? -8 m1. y1 कितना है आपका? 10, तो +m2. ठीक है, डिवाइडेड बाय m1+m2. सिंपली आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6m1+6m2=-8m1+10m2. -8m1 को अगर हम यहां ले जाएंगे तो 14m1 हो जाएगा =10 - 6m2 = 4m2. तो यहां पर आपको रेशियो क्या मिला? m1/m2=4/14. That is same as 2/7. Hence the ratio is 2/7. Hope आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमने रेशियो किस तरीके से इसमें ढूंढा.